मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के पुलिस के है, अपना परिचय जनता है कि मध्य प्रदेश के पुलिस और रिश्वत के चोली दामन के साथ है। यह बेबे हमका कहे की आवश्यकता नहीं है, अखबारन और खबरन के माध्यम से अपना जनता हो कि पुलिस और रिश्वत के कितना गहरा नाता है। और एक घटना ऐसा हुई है जौने से लोग यह तक कह दिए कि बाहर पुलिस प्रशासन, कहे कि एक डीजीपी हैं, डीजीपी के द्वारा रात मतलब एक थाना प्रभारी के बहुत तारीफ की गए कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, किंतु वह तारीफ हजम नहीं कर पाए थाना प्रभारी और रात के 25,000 रुपये की रिश्वत ले लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। फेक आभा पूरी खबर लेके आए हम तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंजन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां अपना ऑब्जेक्ट बताया दी कि मध्यप्रदेश के सीहोर जिला में आवे वाले श्यामपुर थाना के एएसआई जो है अर्जुन जायसवाल और होमगार्ड सैनिक अजय मेवाड़ा का शुक्रवार देर रात जो है लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिश्वत लेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एएसआई और उनके साथी के द्वारा चोरी की रिपोर्ट लिखे खाते जो है फरियादी से 25,000 रुपये की मांग की गई थी। खास बात यह है कि शुक्रवार सुबह डीजीपी सुधीर सक्सेना के द्वारा जायसवाल की तारीफ की गई रही। एसपी मयंक अवस्थी का कहा है कि लोकायुक्त की कार्यवाही भई ही हम मामला की जांच करी लाए, फिलहाल एसआई का लाइन अटैच और सस्पेंड नहीं लाइन अटैच किन गया है, सस्पेंड नहीं किन गया है। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा फरियादी भागीरथ जाटो की शिकायत पर लोकायुक्त के द्वारा कार्यवाही करके दोनों आरोपियों का गिरफ्तार किन गया। फरियादी जाटो के द्वारा लोकायुक्त का शिकायत में बताबा गया कि सीहोर के रहने वाले हैं, कुछ दिन पहले उनका बुलेरो चोरी भय रही, चोरी की शिकायत करे पर श्यामपुर थाना गए रहे। एसआई की टीम उनका धमकाई इसकी तुम झूठ बोल रहे हो, बाद में कहें कि अगर केस दर्ज करेगा तो 25,000 रुपये लागी। जाटो के द्वारा बताबा गया कि 25,000 दे के वो काबिल नहीं आई, वो सप्ताह भर थाना के चक्कर काट रहे हैं, केहू से को उनका जो है बात नहीं सुनी, ये वजह से वो थकार के लोकायुक्त पास गए। जाटो के साथ मिलके लोकायुक्त पुलिस के द्वारा दोनों आरोपी कर रंगे हाथों पकड़े खेते जाल बिछावागा। अपना बता दें शुक्रवार के देर रात शिकायत करता जाटो थाना पहुंचे तो एसआई जायसवाल के द्वारा कहा गया कि बैरक मां मेवाड़ है और ओहिन का पैसा दे दे। जाटो बैरक मां मेवाड़ का पैसा दे चलागा। थोड़ी देर बाद एसआई और मेवाड़ मिले, एसआई के द्वारा पैसा जो है रख लेगा। यह दौरान लोकायुक्त के द्वारा उनका गिरफ्तार कर लेगा। मध्यप्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के द्वारा शुक्रवार सुबह जो है श्यामपुर थाना के निरीक्षण किया गया रहा, यहाँ उनके द्वारा एसआई जायसवाल के काम के तारीफ की गई रही। तो यह हाल है कि सोची डीजीपी के द्वारा जब तारीफ की गए तो तारीफ थाना प्रभारी का हजम नहीं भय, हालांकि यह रिश्वत के हम बेबे कही थे कि पुलिस और रिश्वत के बड़ा चोली दामन के साथ है और बड़ा गहरा नाता है। यह दुनिया में शायद एक मध्य प्रदेश की पुलिस या कहे कि यह कोनो आंकड़ा के तहत नहीं कही मगर अपने अनुभव के तहत कही थे कि यह पुलिस जो है कौन कौन सरकारन के नामूजी कराए रही है, एक सिस्टम के नामूजी कराए रही हो नामूजिन भर रही। हालात ये कि कौन कौन यह जनता खीतिर बनाए गए इतने जबरदस्त सिस्टम का पूरी तरह पलीता लगाए रहे। ये पुलिस जो कहा जाए देशभक्ति जनसेवा के पाठ पढ़ के आवा थे, वो जनसेवा और देशभक्ति दोनों विसर जाते और कुर्सी में बैठे पर सिर्फ एक चीज याद रहा थी कि पैसा। सोची अपना खुद कल्पना करी कि को पहले तो इतना परेशान कि ओकर गाड़ी चोरी हो गए या फिर केहू के घरे चोरी हो गया या कुछ हो गया कोनो घटना हो गए तो ओकर तत्काल पुलिस का खुद लिखे चाहिए, ओमा लोगन का एक मददगार रवैया रखे चाहिए, किंतु हालात या कि पुलिस सोची वह बेचारा फरियादी पहले से परेशान है और ओका आऊ परेशान करे खेती उससे रिश्वत मांगत है। हालांकि सोची या खुद मतलब समझे लायक बात थी और सरकारन का मनन चिंतन करे वाली बात थी कि सरकारों सोचे समझे कि यह में पुलिस के आखिर मतलब का जो रक्षक भक्षक बन जाए जब बार इन खेत खाए लागे तब फिर का मतलब ये व्यवस्था के, फिर तो लोग खुद सुरक्षा कह ले खुद अपन गाड़ी हेल ले खुद चोरी रोक ले फिर का करी ही पुलिस के, का इनका घूसखोरी करे खेतिर रिश्वतखोरी करे खेतिर बैठा बगा है। जरूरत ही सरकारन का एक असोचे खेतिर कहे कि समाज के ये व्यवस्था बनाए नहीं रहे बल्कि अव्यवस्था बढ़ाए रहे और ये अव्यवस्था बनावे माँ अपन महती भूमिका निभाए रहे और यह हालात रही तो एक दौर रही जब जनता का यह व्यवस्था से भरोसा उठी।
फिर जनता खुद न्यायाधीश बन जाई, खुद एफआईआर लिखे लागी, खुद सजा सुनावे लागी और खुद अपन सुरक्षा करे लागी। फिर का मतलब या ऐसा विभागन के हो जाए तो यह सोच बहुत जरूरी है, मनन और चिंतन करे के विषय है। हालांकि सोची डीजीपी के द्वारा जो एसआई के तारीफ की गए वह तारीफ का पचाए न पाऊ या कितना बड़ा मतलब एक कहा जाए पुलिस विभाग पर तो एक गहरा दाग है, काला धब्बा है। ऐसा लोग जब वास्तव में इतने अच्छे सिस्टम का बदनाम करते थे, बर्बाद करते थे, का कही थे का सोची थे अपना ये पूरे घटनाक्रम के बारे में अवश्य बताऊ। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद।